सब्सक्राइब करें साहिल फ्री डिश यूट्यूब चैनल को, साथ में पाएं ढेर सारा इनाम और इस वीडियो को भी लाइक जरूर करके शेयर करें। डीडी फ्री डिश पे सबसे पहले अब आप सेट करो नए टीवी चैनल। अभी अभी दोस्तों नए टीवी चैनल ऐड हो चुके हैं डीडी फ्री डिश पे। तो दोस्तों आपके पास ये सारे नए टीवी चैनल नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा और कौन कौन से टीवी चैनल अभी जस्ट एड हुए हैं, इनकी सारी अपडेट दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें, हमारा जो ये पार्सल है ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है जाने के लिए हमारे लकी भाग्यशाली सब्सक्राइबर के पास, और एक हमारा ये भी दूसरा जो पार्सल है ये भी जाने के लिए तैयार हो चुका है। खैर दोस्तों आप भी पा सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के जरिए बिल्कुल मुफ्त में फुल HD सेटअप बॉक्स। बस दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और अगली वीडियो में दोस्तों इन दो लकी भाग्यशाली सब्सक्राइबरों के नाम का अनाउंसमेंट जरूर सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों आप सभी को मालूम है डीडी फ्री डिश पे नए टीवी चैनल ऐड हो चुके हैं। कौन कौन से नए चैनल ऐड हुए हैं इनकी जानकारी दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर बतला दूं। मनोरंजन ग्रांड, द क्यू, बीडीएम, कलर्स, रिश्ते, बॉलीवुड टीवी चैनल ऐड हो चुका है। आजाद टीवी एड हो चुका है। आस्था टीवी जो MPEG 4 में था वो MPEG 2 में एड हो चुका है। ये सारी लिस्ट MPEG 2 की मैं दिखा रहा हूं। वही भी दोस्तों ढिंचक 2 नाम का टीवी चैनल एड हो चुका है। संस्कार एड हो चुका है। बी फ्लिक्स मूवीज एड हो चुका है। जी जबरदस्त एड हो चुका है। आइए दोस्तों MPEG 4 सेटअप बॉक्स में कौन कौन से टीवी चैनल एड हुए हैं। आई लव टीवी चैनल एड हो चुका है। MPEG 2 में News 24 था, अब वो आपको आज से अभी से मिलेगा MPEG 4 बॉक्स में। तो दोस्तों ये सारे के सारे चैनल अभी अभी ऐड हो चुके हैं आपके पसंदीदा डीडी फ्री डिश पे। आप जहां पे देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा टीवी चैनल, 6 नए स्लॉट्स ऐड हो चुके हैं जहां पे और नए टीवी चैनल ऐड हो चुके हैं। चलिए दोस्तों अब हम आपको बता दें कि कैसे आपको इन टीवी चैनलों को ऐड करना है, लेकिन एक बार और रुकिए, हमारी इस वीडियो को लाइक तो कीजिए क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आज की अपडेट को दिखाई जा रही है। सबसे पहली वीडियो है जहां पे दोस्तों आपको डीडी फ्री डिश ऐड हुआ और इधर आपको सामने ये वीडियो परोस दी गई है। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को यहां से मैं बोलता हूं और झटपट मैं आप लोगों को जल्दी से दिखा देता हूं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं अगर आपके पास एक MPEG 2 सेटअप बॉक्स है तो दोस्तों सभी टीवी चैनलों को आपको कर देना है डिलीट। डिलीट करने के बाद दोस्तों आपको स्कैन करना है। स्कैन कैसे करना है, ऊपर आपको LNB फ्रीक्वेंसी 9750 डालनी है और स्कैन कर देना है। स्कैन करेंगे दोस्तों, पहले जहां पे आपको टीवी चैनल मिलते थे 140, अभी दोस्तों 146 150 से भी ज्यादा टीवी चैनल देखने को मिलेंगे। देखिए डीडी फ्री डिश अलग चीज है और डिश टीवी अलग चीज है। यहां पे डिश टीवी के भी चैनल ऐड हो जाते हैं, जैसे कि जी वाले जितने भी सीरीज के चैनल हैं वो डिश टीवी के हैं और डीडी फ्री डिश के चैनल यहां पे आप देख सकते हैं ऐड हो रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप नए चैनलों को ऐड कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से MPEG 4 बॉक्स आपके पास है तो MPEG 4 बॉक्स में दोस्तों आप सबसे पहले इन सभी टीवी चैनलों को आप डिलीट करेंगे और नए टीवी चैनलों को स्कैन करने के लिए आपको ब्लाइंड स्कैन करना होगा। FTA मोड आपको यस रखना होगा तो दोस्तों आपके पास ये सारे के सारे चैनल आ जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों हमारी सबसे पहली सबसे बड़ी अपडेट को आपने देखा, और दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि दोस्तों यही वो चैनल है जहां पे आपको 100% सही इंफॉर्मेशन दी जाती है सबसे पहले, और ये आप लोग सभी जानते हैं। साथ ही दोस्तों आपको गिफ्ट मिल सकता है, आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में साहिल चैनल लिस्ट, हमारा जो सेकंड चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।